हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एमएस पेंट में शेप्स का यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन में, जो यहाँ पे बॉटम साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। आप उससे क्लिक करेंगे, फिर ये मेन्यू बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। हमें सबसे पहले जाना है विंडोज एसेसरीज में। स्क्रॉल बार की हेल्प से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। विंडोज एसेसरीज में हमें क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमएस पेंट प्रेजेंट है। आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेन स्क्रीन यहाँ पे शो होने लगेगी। ये है फाइल टैब, फिर यहाँ पे देखिए होम टैब, व्यू टैब। ये है अनटाइटल पेंट जहाँ लिखा है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और ये जो वाइट कलर का पोर्शन है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे कलर पैलेट दिया गया है जहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे टूल्स हैं, कई सारे टूल्स हैं जिनका नेम डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे ये पेंसिल टूल है, ये फिल विथ कलर टूल है, टेक्स्ट टूल है। ये सारे इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होता है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आएगा, यानी इरेजर टूल है ये और इस इरेजर टूल का फंक्शन क्या होता है। उसी तरह ये मैग्नीफायर टूल है, इसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको शेप्स मिलेंगे, यहाँ पे आउटलाइन फिल का ऑप्शन है, यहाँ एडिट कलर है, यानी आप अगर कोई कलर फॉर्म करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये जो पोर्शन है ब्लैंक स्पेस जहाँ पे है सेंटर में, इसे हम कहते हैं ड्राइंग एरिया और कैनवस भी कहते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमाइज बटन है, फिर इसे यहाँ पे हम कहते हैं ये मैक्सिमाइज बटन और ये क्लोज बटन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप शेप्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एमएस पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो माउस कर्सर है यहाँ पे ले जाना है, इसे हम माउस पॉइंटर भी कहते हैं। तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए बॉक्स बन रहा है और बैकग्राउंड में ब्लू कलर है। तो हमने इस पर क्लिक किया है और अब यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर का शेप भी चेंज हो गया। अब हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गई है। आप चाहे तो इस लाइन को आप और लॉन्ग कर सकते हो, प्लस इसको आप मूव भी कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह। ये देखिए मैं मूव करके दिखा रही हूँ आप लोग को। प्लस आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो इतना लॉन्ग नहीं चाहिए तो आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। तो एक मैंने यहाँ पे इमेज बनाई है। उसके बाद हम लेंगे ये कर्व टूल, हम कहते हैं इसे। इसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बना सकते हो, जैसे ये। अब आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, प्लस आप इसको मूव भी कर सकते हैं। फिर हम लेते हैं ओवल टूल का, जैसे ओवल टूल की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। प्लस अगर आपको ओवल शेप चाहिए तो ओवल शेप चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसे मूव करना चाहते हैं तो आप मूव भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं। फिर हम लेंगे रेक्टेंगल टूल का, देन इसे हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इसके कॉर्नर्स जो है पॉइंटेड है और यहाँ पे ये कॉर्नर्स इसके राउंड इन शेप है। फिर यहाँ पे हम लेंगे पॉलीगॉन टूल का। पॉलीगॉन टूल की हेल्प से आप कोई भी डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम लेंगे ट्राइंगल, ये आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चों को, अगर आपको एमएस पेंट सिखाना है, चाहे वो क्लास वन का स्टूडेंट हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, सारे बच्चों के कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर में एमएस पेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और उन बच्चों को उसे आना ज़रूरी है। ये है पेंटागॉन, देन हेक्सागॉन। यहाँ पे मैं आपको सारे शेप्स बना के दिखाऊंगी। ड्रैग करना है, फिर ड्रॉप करना है। पहले क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन से, सिलेक्ट हो जाएगा तो देखिए ब्लू कलर से चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्लिक, फिर ड्रैग एंड देन ड्रॉप। ये
देन डाउन एरो, देन स्टार शेप, देन अगेन उसके बाद यहाँ पे डायलॉग बॉक्स। आप जो भी इमेज बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, तो आप यहाँ शेप की हेल्प से जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से शेप यहाँ से ले सकते हैं। ये क्लाउड, देन हार्ट, देन थंडर। तो ये सारे हमने यहाँ से जितने भी शेप्स हमें शेप टूल से मिल गया था, हमने वो सारे शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं। और आप बच्चों को इससे सिखा सकते हैं कि कैसे उन्हें शेप ड्रॉ करना है। सबसे पहले सिर्फ क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन से, फिर वो शेप सिलेक्ट हो जाएगा और ड्राइंग एरिया पे इस प्लेस पे आना है और आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। आप इसे रिसाइज मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी शेप को ड्रॉ करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू। इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज करेंगे इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले आपको जाना है क्लोज बटन पे, क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा कि आप जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो क्या आप सेव करना चाहते हो। तो अगर आपको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, और आपको नहीं सेव करना है तो आप नहीं सेव करेंगे, डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको कोई और वर्क करना है तो आप इस चीज़ को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सेव नहीं करना है, मुझे इस प्रोग्राम को क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं डोंट सेव करूँगी और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। उसके बाद हम शट डाउन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। यहाँ पे देखिए पावर, देन हम